गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, लेसन टू सॉल्यूशन। हिंदी में उसे बोलेंगे विलयन। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक घटकों से बना हुआ एक सामांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। ठीक है, यदि दो घटक हैं, इफ टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड बाइनरी, हिंदी में बोलेंगे द्विअंगी। इफ थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइनरी, हिंदी में कहेंगे त्रिअंगी। ओके, नाउ सॉल्यूट कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट से बना है सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, विच इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट को हिंदी में बोलेंगे विलेय और सॉल्वेंट को बोलेंगे हम विलायक, और ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट वो है विच इज प्रेजेंट इन द मिनिमम अमाउंट इन द सॉल्यूशन, मिनिमम अमाउंट इन द सॉल्यूशन, एंड सॉल्वेंट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम और लार्जेस्ट अमाउंट इन द सॉल्यूशन। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में लार्जेस्ट अमाउंट में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट में विलायक कहते हैं, साथ ही साथ इट डिटरमाइंस द फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अंतिम अवस्था को भी निर्धारित करता है विलायक। कैसे? देखिए, जैसे एग्जांपल्स मैं ले रही हूं यहां पर एक समझाने के लिए, जैसे NaHg है, सोडियम अमलगम है। अब इसमें जो सोडियम अमलगम का जो विलयन बना है उसकी जो फाइनल यानी अंतिम अवस्था होती है वो एक ठोस अवस्था में प्राप्त होती है। ठोस अवस्था को निर्धारित करने वाला सोडियम जो है वो ठोस में मिलता है और जो HG है पारा वो द्रव में मिलता है, और फाइनल स्टेट ठोस है तो इट मींस जो सोडियम ठोस अवस्था में मिल रहा है यानी सॉलिड स्टेट में मिल रहा है वो हमारा विलायक होगा या सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट। और जो द्रव अवस्था में मिल रहा है यानी कि HG है, ये द्रव अवस्था में है तो ये सॉल्यूट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि जो पूरे विलयन की जो फाइनल स्टेट है वो कैसी है? ठोस है, तो विलायक जो होगा वो एक ठोस ही होगा, और इसमें ठोस चूंकि सोडियम है इसलिए विलायक सोडियम होगा और विलेय HG पारा जो कि द्रव अवस्था में मौजूद है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के फिजिकल स्टेट के बेस पर जो सॉल्यूशन के टाइप्स हैं वो बता रहे हैं हम। फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशंस, कुल टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फाउंड, बट इन्हें हमने 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर टेकिंग गैसियस सॉल्यूशंस यानी गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशंस। इसकी फर्स्ट टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है गैस इन गैस।
गैस इन गैस। यहाँ पे जो गैस है वो विलायक की तरह सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रही है। इसका एग्जांपल्स मैं इधर लिखूंगी, ठीक है। तो गैस इन गैस का एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। दोनों गैसे हैं, गैस का गैस में मिश्रण क्या कहलाता है, गैसीय सॉल्यूशन का एक एग्जांपल हो गया गैस इन गैस। इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल है लिक्विड इन गैस। गैस यहाँ पे फिर सॉल्वेंट है, उसमें लिक्विड मिक्स है। लिक्विड का एग्जांपल CaCl3, और ये किस में मिक्स है, N2 गैस में। गैस में लिक्विड, लिक्विड इन गैस, ओके। ये लिक्विड है, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड इन गैस। एग्जाम्पल कैम्फर इन N2 गैस। कैम्फर यहाँ पर सॉलिड है और N2 गैस गैस, तो गैस में सॉलिड, सॉलिड इन गैस, ओके। ये थर्ड टाइप का सॉल्यूशन हो गया। किसके अंदर आ रहे हैं तीनों, गैसीय सॉल्यूशंस में, क्योंकि गैस यहाँ पर सॉल्वेंट है, इसलिए हमने इसे गैसीय सॉल्यूशंस नाम दे दिया। सेकंड हमारा जो टाइप है वो है लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर अब मैं फोर्थ टाइप ले रही हूँ, क्योंकि टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। फोर्थ इसका टाइप हो गया गैस, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है O2 इन वाटर, O2 डिजॉल्व्ड इन वाटर। O2 इज अ गैस, O2 इज अ गैस एंड वाटर इज लिक्विड। गैस इन लिक्विड, O2 इन वाटर, ओके। फिफ्थ, नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल जैसे इथेनॉल इन वाटर। यहाँ पे जो इथेनॉल है दिस इज लिक्विड, H2O इज ऑल्सो लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन लिक्विड, एल्कोहल प्लस वाटर। तो दिस इज टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सिक्स्थ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल इज ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज इज अ सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड, सो सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर, ओके। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी, लार्ज कैटेगरी इज सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशंस, ठोस विलयन। इसका फर्स्ट एग्जांपल, इसका फर्स्ट एग्जांपल गैस इन सॉलिड। एग्जांपल इज H2 गैस इन पैलेडियम। H2 गैस गैस है और पैलेडियम, चार पैलेडियम है सॉलिड। ये एक अधिशोषण की घटना है, एड्सॉर्प्शन है, जो कि PD की सरफेस पर H2 गैस का होता है। तो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट सेकंड लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल सोडियम अमलगम। थोड़ी देर पहले दिया था मैंने सोडियम अमलगम। सोडियम इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट एंड इट इज सॉलिड एंड लिक्विड HG इज अ सॉल्यूट विच एक्स एज अ लिक्विड, ओके। सॉल्यूट विच एक्स एज अ सॉलिड, सॉल्यूट तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में विलयन, तो लिक्विड इन सॉलिड। लास्ट थर्ड सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, और इसका एग्जांपल हो गया CU प्लस AU, मिक्सचर ऑफ CU प्लस AU। इट इज अ अलॉय, जितने भी अलॉय हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस।
जो जैसे कोई भी मिश्र धातु है जैसे कॉपर और एयू की जो मिश्र धातु है वो किससे मिलकर सॉलिड इन सॉलिड का मिश्रण है, सॉलिड इन सॉलिड है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह कितने टोटल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए। इसके बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट की डिफरेंट स्टेट्स के बेस पर। ओके, नेक्स्ट में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी मैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच गाइस।